और उधर गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने ट्वीट कर दिया है केशव प्रसाद मौर्य सूर्य स्वामी मौर्य बराबर अंधकार। तो ये ट्वीट सामने आ गया है गौरव भाटिया का, बीजेपी के प्रवक्ता हैं केशव प्रसाद मौर्य इक्वल टू सूर्य स्वामी प्रसाद मौर्य। सूर्य स्वामी प्रसाद मौर्य को अंधकार कहा है, केशव प्रसाद मौर्य को सूर्य कहा है, और स्वामी प्रसाद, माफ कीजिए मैं छोटा सा, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, केशव प्रसाद मौर्य को सूर्य कहा है और स्वामी प्रसाद मौर्य को अंधकार कहा है। गौरव भाटिया का ये ट्वीट, बीजेपी के प्रवक्ता हैं केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी वोट को केटर करते हैं, ओबीसी का बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं, और दूसरा बड़ा चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि अभी तक बीजेपी में थे लेकिन अब मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और कहा यह जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। तो ये ट्वीट गौरव भाटिया का सामने आ चुका है, केशव प्रसाद मौर्य को सूर्य कह रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य को अंधकार कह रहे हैं गौरव भाटिया अपने ट्वीट के जरिए। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट हमने आपको बताया, नीरज पांडे गौरव भाटिया तो उनको अंधेरा कह रहे हैं, तो अब क्या मान मुनव्वल, अब तो सारी गुंजाइश खत्म। जी बिल्कुल, थोड़ी देर बाद गौरव भाटिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है शोभना, लेकिन ये बात यहाँ पे एक बात समझनी बहुत जरूरी है। अब जब बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो चुकी है, ये बिल्कुल मान लिया गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो अब चले ही गए हैं, तो ऐसे में ओबीसी जो वोट बैंक है वो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के पास, मौर्य समाज में मौर्य शाक्य सैनी जो ये एक बड़ा समाज है, इस वर्ग में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लीडर हैं केशव प्रसाद मौर्य एक बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भारतीय जनता पार्टी में कुछ गुंजाइश भी नहीं बनती थी, और इसी वजह से माना जा रहा है कि वो यहाँ से निकले भी, क्योंकि वो कद कभी नहीं मिलेगा जो केशव प्रसाद मौर्य के पास है भारतीय जनता पार्टी में, वो कद कभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं मिले। अब जब स्वामी प्रसाद मौर्य यहां से चले गए हैं तो निश्चित रूप में भाजपा के सामने और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि अपने ही लीडर को उस समाज का सबसे बड़ा लीडर साबित किया जाए और उस समाज में ये बताने की कोशिश की जाए कि केशव प्रसाद मौर्य ही सही मायने में उस समाज को एड्रेस करते हैं, उस समाज की लीडरशिप को एड्रेस करते हैं। तो भाजपा के पास इसमें कोई शक नहीं, इस समाज का एक बड़ा नेता है और उसी को भुनाने की ये कोशिश है, और उसी को भुनाने के तहत ये ट्वीट देखा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है नीरज पांडे, मैं प्रदीप जी का रुख करना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके का ये नया डेवलपमेंट एन चुनावों से 2 महीने पहले हुआ है, बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। उधर गौरव भाटिया कह रहे हैं कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य तो अंधकार है, केशव प्रसाद मौर्य सूरज है, तो इसका मतलब मान मुनव्वल का भी कोई चांस नहीं है, और ये झटका अब बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान साबित होगा। नहीं शोभना, ठीक कह रही हैं आप। देखिए, जब एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य जाकर अखिलेश यादव से मिल लिए, उसके बाद फिर मान मनोबल की कोई गुंजाइश, कोई संभावना, कोई बात रह नहीं जाती। पर लेकिन केशव प्रसाद मौर्य तो ये कह रहे हैं ना कि कई बार आदमी जज्बाती होकर फैसला ले लेता है। जहां तक झटके की बात है तो देखिए, जब वो आए थे तो फायदा था, तो जाने पर झटका तो होना ही है। मुझे प्रदीप जी आपसे जो हम महा ओपिनियन पोल कर रहे हैं पंजाब के आंकड़ों पर बात करनी थी, लेकिन ये इतनी बड़ी खबर आ गई, और इसीलिए मैं दिबांग से भी बात करना चाहूंगी इसी मुद्दे पर। दिबांग, देखिए मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है स्वामी प्रसाद मौर्य को, तो क्या मौसम जो है वो सपा के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए ये चला चली की बेला? लेकिन बुरी खबर बीजेपी के लिए, क्योंकि बहुत से विधायक भी इस्तीफा देके शामिल होने की बात कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, और देखिए जब इन्होंने पार्टियां छोड़ी तब तब मेरी इनसे मुलाकात और बात हुई अलग अलग शोज में, और एक बात जो मुझे लगा कि बहुत अपनी बहुत जमीनी पकड़ है इनको, और साफ बोलते हैं, बहुत धमाके से बोलते हैं, दलितों पिछड़ों की राजनीति करते हैं। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, मैं देख रहा था, मैंने कुछ लोगों से बात की, उनमें 2 और नेताओं के नाम आने, चाहे वो दारा सिंह चौहान हो या धर्म सिंह सैनी हो, इनकी बात आ रही है। एक ये भी देखा जा रहा है कि इनकी जो बेटी है, पिछले दिनों संघमित्रा मौर्य बदायूं से सांसद हैं, वो एक कार्यक्रम में बोलने वाली थी, वहां मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, और ये कार्यक्रम था सैनियों का, कुशवाहा का, और इन्हीं मौर्य जाति के लोगों का था, और उनको वहां पर हैकल किया गया, वो मंच से हट गई थी। तो एक इसके पीछे एक पुरानी, एक बड़ी भूमिका है कि ये साइडलाइंस थे और इनको
इनके बेटी के साथ जो किया गया, जो इनको खुद परेशानी थी, और जो कद था, आप देखिए बीएसपी के ये प्रदेश के अध्यक्ष थे जब इन्होंने छोड़ी, और जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह का देखिए नेता क्या होता है, जो भाव उसको अपने बारे में होता है वो जानना एक बहुत जरूरी होता है। तो अपने आप में इनको खुद अपने बारे में खुद एक बहुत अच्छा भाव है, और वो भाव तब आता है जब वो लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, तो वो एक भाव हम लोग इनमें हमेशा देखते थे, और वही चीज इनको बड़ा बनाती थी। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।